The 5 AM Club. Own Your Mornings. Elevate Your Life by Robin Sharma. VO 1. सुबह को अपनाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। सुबह के 6 या 6:30 का समय है। आपका अलार्म जोर से बजता है। आप उसे स्नूज पर दबाकर फिर सो जाते हैं। 10 मिनट बाद वो फिर बज उठता है। आप फिर वही हरकत दोहराते हैं। इस बार कान पर तकिया चढ़ाकर, करवट बदलकर, बस थोड़ी देर और कहकर फिर सो जाते हैं। तीसरी बार में तो उठना ही पड़ता है, अनमने भाव से खींचते हुए, नींद में बोझिल। पर काम पर जाने का समय हो चला है। आप जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और एक और दिन का सामना करने निकल पड़ते हैं। कुछ पहचाना सा लग रहा है ना? जी हाँ दोस्तों, ये है एक आम इंसान की आम सी कहानी, हर घर की कहानी। पर क्या आप सारा जीवन यूं आम इंसान बनकर गुजार देना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाकर एक अनूठी लोकप्रियता हासिल की है। किताब का नाम है द 5 AM क्लब और इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। इस किताब की अब तक 1.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं और दुनिया भर में लोग इससे प्रेरणा पाकर सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए संक्षेप में जानते हैं कि ऐसा क्या लिखा है इस किताब में। हमारे दिमाग के पास एक सीमित बैंडविड्थ यानी कुछ भी सोख लेने की क्षमता होती है। अगर हम दिन भर अपने दिमाग को सोशल मीडिया, आसपास के लोगों की बातें, टीवी, रेडियो आदि से पूरी तरह भर लेते हैं ना, तो शाम ढलने तक हमारे दिमाग की वो सीमित क्षमता पूरी हो जाती है। इस हद तक कि अभी पूरा दिन गुजरा भी नहीं होता और हम मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं और फिर किसी और बात या काम की गुंजाइश ही नहीं बचती। ये सब तब होता है जब हमारी दिनचर्या 6, 7 या उसके भी बाद शुरू होती है। वहीं अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हमारे पास पूरे 1 घंटे का अतिरिक्त समय होता है जब हम इन सब बातों में ध्यान न लगाकर उसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इस 1 घंटे की वजह से हम दिन भर इतना काम कर लेते हैं जो किसी और सूरत में हमारे लिए करना संभव नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं द 5 AM क्लब। बंदूक बहुत हिंसक हो सकती है, गले का फंदा पुरानी बात हो गई, और चाकू से कलाई काटना बहुत तकलीफ देह होगा। अब सवाल ये उठता है कि और कौन सा तरीका बचता है एक खूबसूरत जीवन को एक झटके में और बिल्कुल सटीक अंदाज में समाप्त कर देने का। कोई ऐसा तरीका जिससे गंदगी कम हो पर असर तगड़ा दिखे। बात हो रही है एक महिला उद्यमी की जो अपनी सफलता और नेतृत्व के लिए पूरे समाज में जानी जाती थी। केवल 1 साल पहले तक हालात इसके बिल्कुल उलट थे। बहुत आशावान, वो जहां जाती थी उनका सत्कार किया जाता था। लोगों के मन में उनके लिए प्रेम और सम्मान दोनों हुआ करते थे। आखिर क्यों ना हो, 38 साल की उम्र में ही उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। कॉलेज के कमरे में बैठकर देखे गए सपने को सार्थक करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पूरी मेहनत से शुरू की गई एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी को सफल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी थी। वो अपने ही लोगों से धोखा खाकर अपनी ही कंपनी से हाथ धोने वाली थी। उनके पैरों के नीचे से कोई यूं जमीन खींच लेगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जिस बिजनेस को खड़ा करने में उन्होंने अपना आधा जीवन लगा दिया था, उसे छोड़कर अब वो अपने लिए नौकरी ढूंढने की कगार पर आ गई थी। ये सब उनके लिए बहुत ही तकलीफ देह था। वो बाहर से कठोर चाहे दिखती हों, उनके भीतर एक कोमल और प्यार करने वाला दिल धड़कता था। ऐसे में उन्हें लगता था मानो ये धोखा खुद उनकी जिंदगी ने उन्हें दिया हो। वो इससे कहीं बेहतर के लायक थी। एक पल को उन्होंने सोचा कि नींद की गोली की पूरी शीशी खा लें और हमेशा नींद की गोद में सो जाएं। इस तरह से उन्हें अपने इस दर्द से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तभी उनकी नजर अपनी मेज पर रखी एक टिकट पर पड़ी जो उनकी मां ने दिया था। ये टिकट किसी लाइफ कोच द्वारा आयोजित एक ऐसे सम्मेलन का था जहां जीवन को बेहतर बनाने के टिप्स दिए जाते थे। वो अक्सर इस तरह के नाटकीय सम्मेलनों का मजाक उड़ाया करती थी, साथ ही उन लोगों का भी जिन्हें यहाँ जाने की जरूरत महसूस होती है। उन्हें लगता था कि ऐसी जगहों पर वही सब दोहराया जाता है जो हम पहले से जानते हैं। पर इस टिकट को देखकर वो सोच में पड़ गईं। उनके सामने बहुत सारे विकल्प तो थे नहीं,
या तो वो इस सम्मेलन में जाकर अपने लिए कोई बहुत बड़ा सबक सिखाती या लौटकर अपनी जान दे देती। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। महान बनने का दर्शन शास्त्र भाग एक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारी बातचीत का विषय है रॉबिन शर्मा की लिखी और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब द 5 AM क्लब। अब तक आपने सुनी एक मेहनती महिला उद्यमी की कहानी और कैसे वो अपने जीवन का एक आखिरी चांस लेने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध वक्ता को सुनने का निश्चय करती हैं। आइए सुनते हैं इस किताब के सारांश में आगे की कहानी। तो वो बहुत ही कमाल के वक्ता थे, उनके शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। पूरा जीवन बेहतरीन काम करने के बाद अब वो अपने 80वें साल में पूरी दुनिया में एक अनूठे प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते थे। उनके भाषण सुनकर लोग जोश और उम्मीद से भर जाते थे और अपने पीछे विरासत के रूप में केवल सफलता और इंसानियत छोड़ जाने के सपने देखा करते थे। इनका काम औरों से बहुत निराला था, इसीलिए इनके संदेश बेहद आम लोगों को भी खास तरह का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अपने कौशल से खिलवाड़ करने में नहीं गंवाना चाहिए, ऐसा वो हजारों बार कह चुके थे। आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, आपको अपने सारे सपने साकार करने हैं और फिर कुछ और सपने देखने हैं। जहां लोग जूतों, कपड़ों और गहनों में निवेश करते हैं, आपको अपने आप में और अपनी लगातार बेहतरी में निवेश करना है। आपके अंदर पूरे विश्व को जीतने की शक्ति है, जरूरत है तो उस शक्ति को पहचानने की, उसे काम में लाने की। संसार के सभी महान स्त्री और पुरुषों ने सदा दिया है, लिया कभी नहीं। इस तरह के ओजपूर्ण शब्दों से वो लगातार लोगों को बेहतर जीवन जीने और निरंतर सफल होने में मदद करते रहते थे। साथ ही उनका कहना था कि जब आप अपने लिए ऐसा जीवन बना रहे हो जो सफलता, सुख और समृद्धि से भरा हो, तो अपने पीछे छोड़ जाने के लिए सिर्फ धनराशि ही काफी नहीं, बल्कि अपने काम और उससे कमाया यश भी होना चाहिए। आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए ये बहुत जरूरी है और तभी आप देवदूतों की तरह ऊपर उठकर अपने ईश्वर की शरण में पहुंच पाते हैं। इसके साथ ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले उस वक्ता ने दो पल रुककर एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में कष्ट हो रहा हो। उनके मुंह से एक अजीब भारी सी आवाज आने लगी। फिर उन्होंने अपने जूतों की तरफ देखा जो कि चमचमा रहे थे। सबसे आगे की पंक्ति में बैठे दर्शकों को उनके खूबसूरत लेकिन वीरान से चेहरे पर आंसू की एक बूंद नजर आई। वो एक टक नीचे देखे जा रहे थे। अचानक वो लड़खड़ा से गए। इस बीच सामने बैठे सभी दर्शकों के चेहरे पर तनाव के कई भाव आए गए। तभी उस वक्ता ने अपना माइक नीचे रखा और अपने बाएं हाथ से पैंट की जेब में करीने से तह लगा रुमाल निकाला। उस रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और फिर दोबारा बोलना आरंभ किया। आप में से हर एक कुछ खास काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं। आप सब अपने भीतर भव्यता की एक ऐसी ज्योति लेकर जीते हैं जो सामान्य रहने के लिए नहीं बनी है। आप में से किसी को भी साधारण रूप से जीने की जरूरत नहीं है। उनकी कही ये बातें कई मासूम चेहरों पर उम्मीद की किरण बनकर दौड़ गईं और उन्होंने अपनी ऊर्जापूर्ण बात एक बार फिर शुरू की। मेरा दिल टूट जाता है जब मैं देखता हूं कि आप सब असाधारण लोग कई बार हीन भावना का शिकार होकर जीवन से निराश हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर के सारे डर सिर्फ झूठ हैं और आपके संदेह किसी चोर की तरह आपकी योग्यता और कौशल को लगातार चुरा रहे हैं। ये सुनकर कई लोगों ने समर्थन में अपनी गर्दन हिलाई और कुछ लोगों ने जोश में आकर तालियां भी बजाई और इस तरह से उनका मन मोह लेने वाला ये भाषण चलता रहा। उन्होंने आगे कहा, मैं आप सबको समझता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ। मुझे पता है आप सब किसी ना किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, शायद हम सभी। कई बार हमें लगता है कि ये जीवन हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता, आखिर कब तक हमें अपने ही बनाए इस जीवन से लड़ना होगा। हमने ऐसे दिन बिताने की कामना तो नहीं की थी। थका देने वाली इस दिनचर्या से आप सभी परेशान हो गए होंगे। यहां मैं आपको बस इतना याद दिलाना चाहता हूं कि हम में से कई लोग 30 बरस की उम्र में ही मर जाते हैं। बस हमें दफनाया
80 की उम्र में जाता है, इसलिए मैं आप सबके मन को पढ़ पा रहा हूँ, आपको समझ पा रहा हूँ। और मेरा यकीन कीजिए कि आपके दिन पलटने वाले हैं, एक जादू होने वाला है, बहुत निराला, बहुत खास, बहुत दिलचस्प। मंत्रमुग्ध कर देने वाले उस वक्ता ने आगे क्या कहा, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। टू बी कंटिन्यूड। महान बनने का दर्शन शास्त्र भाग दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है दुनिया भर में मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के सारांश की। आइए जानते हैं कि उस मन मोह लेने वाले दार्शनिक और गुरु की सभा में आगे क्या हुआ। उनकी आवाज या आखिरी शब्द बोलते हुए लरजने लगी। ऐसा लगा मानो वो सांस लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हों और उनके चेहरे पर पसीना और परेशानी के भाव साफ दिखने लगे। वो बड़ी सावधानी से पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बोलना जारी रखा, हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये भी सच है कि आप लोगों ने निराशा के गहरे अंधेरे भी महसूस किए हैं, आप लोग भी दुखी होकर टूटे हैं, बिखरे हैं, आप लोगों ने भी अपने बचपन के कई सपनों को चूर होते देखा है, अपनों से धोखा खाया है, दिलों को टूटता हुआ पाया है। लेकिन याद रहे, आप इस समय अपने जीवन के जिस भी पड़ाव पर हों, अपने अधूरे और तकलीफ देह इतिहास के कारण अपने आने वाले अच्छे दिनों की चमक को कम मत होने दीजिएगा। आपको जितना लग रहा है आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं और इसीलिए नई सफलताएं और ढेरों दुआएं आपकी तरफ आ रही हैं। आप इस समय ठीक उसी जगह पर हैं जहां आपको अपने विकास के कारण होना चाहिए। आपकी अथाह मेहनत और लगन का ही नतीजा है जो आज आप इस धन संपदा और सुख के साथ जी रहे हैं। इस पल कुछ भी गलत नहीं है। जिनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो उनके लिए भी, और जिनका जीवन चूर चूर होकर बिखरने की कगार पर हो उनके लिए भी। मेरा संदेश बस इतना है, अपने डर से अधिक अपनी आस्था पर भरोसा रखें। सच तो यह है कि अब तक आपके जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई हों या जितने भी विषैले लोगों से आप मिले हों, उनकी वजह से ही आप आज इस स्थान पर पहुंचने में सक्षम हुए हैं। ये वो पाठ हैं जिन्हें पढ़कर आपने अपने अंदर की शक्तियों को विकसित किया है। अब तक घटी कोई भी घटना संयोग नहीं थी, उनके पीछे आपके लिए कोई ना कोई अच्छाई छुपी थी। ऐसा कहते कहते वो गुरु एक बार फिर एक गहरी सांस खींचकर उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए, पर उनका भाषण चलता रहा। हमने अपने आसपास सौम्यता के नाम पर कमजोर पड़ जाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है। ऐसे लोग जीवन में हल्की सी कठिनाई पाकर भाग खड़े होते हैं, परेशानियों के आगे झट से आत्मसमर्पण कर देते हैं और अपनी आकांक्षाओं को आसानी से त्याग देते हैं। ऐसे नाजुक लोग खुद से किया हुआ अपना वादा भी नहीं निभा पाते। यकीन मानिए, सख्ती अच्छी होती है, परेशानियां बहुत जरूरी, और चुनौतियों को यदि आप आगे बढ़ने की ललकार मानेंगे तभी आप महान बन पाएंगे। अपने आप को सीमित ना करें, किसी बंधन में ना बांधें और राह में आने वाली हर तकलीफ से आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। और अचानक ऐसी ऊर्जा से भरी प्रेरणादायी बातें करते करते वो हिलने लगे और फिर जोर जोर से खांसने लगे। ऐसा लगा जैसे उनका अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही ना रहा हो। ऐसे में उनकी ही टीम के एक व्यक्ति ने तेजी से उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मंच की लाइट पहले मध्यम हुई और फिर पूरी तरह से बुझ गई। कुछ लोग जो मंच के नजदीक बैठे थे खड़े होकर देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ। सभी के चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव थे। तभी काले कपड़ों वाली एक महिला तेजी से मंच की ओर लपकी। उनके हाथ में एक फोन था और दूसरे हाथ में एक नोटबुक। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और उनकी लाल रंग की सैंडल से टक टक की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। लेकिन उन्हें मंच तक पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। उस महान दार्शनिक का शरीर मंच पर ऐसे पड़ा था जैसे अखाड़े में पस्त हो जाने के बाद कोई खिलाड़ी पड़ा हो, बिल्कुल निश्चल। तेजी से गिरने के कारण
सर पर लगी चोट से खून की पतली सी धारा बह रही थी। पास ही उनका चश्मा पड़ा था और हाथ में वो रेशमी रुमाल अभी भी था। बस उनकी किसी मणि की तरह चमकती हुई आंखें बंद हो गई थीं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब का सारांश। एक अनजान व्यक्ति, एक अनोखी मुलाकात। किसी ने क्या खूब कहा है, गुड थिंग्स हैपन व्हेन यू मीट स्ट्रेंजर्स, यानी अनजान लोगों से मिलकर अक्सर अच्छा होता है। ये बड़ी ही अनोखी बात है कि कई बार बिल्कुल अनदेखे अनजाने लोगों से हमारी किस्मत के तार जुड़े होते हैं और पहली बार मिलने पर भी ऐसे लोगों से बेहद आत्मीय संबंध बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है रॉबिन शर्मा की लिखी किताब द 5 AM क्लब के बारे में। आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब तीन अजनबी एक ऐसी जगह पर मिले जहां से तीनों के भाग्य बदलने वाले थे। उस महिला उद्यमी ने सबसे झूठ कहा था जब वो बोली कि उस सभागार में आने का उनका कारण सिर्फ इतना है कि वो मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस वक्ता को केवल एक बार सुनना और परखना चाहती थी कि क्या वाकई में उनकी बातों में वो प्रभाव और जादू है जैसा लोग बताते हैं, और अगर ये सच है तो शायद इस गुरु की बात सुनकर वो अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने के कुछ अचूक उपाय सीख सके। उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्या पता यहाँ से सीख हासिल करके वो अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने का अपना सपना पूरा कर सके। हम सब जानते हैं कि उनके पास अपना कहने को कुछ नहीं बचा था और यहाँ आने का उनका कारण सिर्फ इतना था कि वो अपने अंदर एक नई आशा पैदा कर सकें जिससे वो अपने जीवन को पटरी पर ला सकें। अब बात करते हैं उस कलाकार के बारे में जो अपनी कल्पना और कला दोनों को बेहतर बनाने की इच्छा लेकर वहाँ आए थे। वो चाहते थे एक ऐसा ज्ञान और गुर सीखना जिनसे उनकी बनाई पेंटिंग्स हर किसी के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ सके। अपनी चित्रकारी को वो पूरी दुनिया के लिए अपनी वसीयत के रूप में छोड़ जाना चाहते थे जिससे उनके काम से हर कोई प्रेरित और प्रभावित हो सके। वो एक चित्रकार थे और इसी कारण अपने काम को वो शिखर तक ले जाना चाहते थे। इसके साथ ही उनकी इच्छा थी कि वो अपनी निजी जिंदगी को भी बेहतर बना सकें। वो जानते थे कि वो इस योग्य हैं, पर कुछ अनजान कारणों से उनके भीतर का खलनायक उनके नायक स्वभाव पर भारी पड़ जाता था। इसीलिए अक्सर वो अपनी ही बनाई हुई महत्वाकांक्षाओं को भूल जाते थे और अपने ही मूल विचारों से उनका टकराव रहता था। इसीलिए वो भी मन मोह लेने वाले इस वक्ता को अपने गुरु की तरह मानते थे और उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद रखते थे। और वो दयनीय और बेघर व्यक्ति तो ऐसा लगता था मानो सबकी नजर बचाकर चुपके से उस सभागार में घुस आया हो। उसके माथे पर दाई आंख के ऊपर एक लंबा सा निशान था और लंबी डरावनी सी दाढ़ी में काले सफेद बालों का मिश्रण था। गले में रंगीन मोतियों की माला थी जैसे भारतीय पुजारी मंदिरों में पहनते हैं। कुल मिलाकर बड़ा ही विचित्र दिखने वाला व्यक्ति। और तभी उसने पीछे से आवाज लगाई, हेलो हेलो, जरा सुनिए सुनिए ना। महिला उद्यमी और चित्रकार दोनों आसपास बैठे थे। उस दिन वो दोनों पहली बार मिले थे। सभागार अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ था। स्टेज उतारा जा रहा था, सफाई का काम चल रहा था, दूर कहीं एक सुखद सा म्यूजिक बज रहा था। तभी इस आवाज को सुनकर दोनों ने एक साथ मुड़कर पीछे देखा। रंग उड़े हुए पुराने कपड़े, चेहरा मानो हफ्तों से धोया नहीं गया हो, बढ़े हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी। उस आदमी को देखकर साफ लगता था मानो वो वर्षों से सड़क पर बिना घर बार के गरीबी और बदहाली का जीवन बिता रहा हो, पर उसकी आवाज में ना एक अलग ही रौबदाब वाला आधिकारिक भाव था। उसकी आंखों में जंगल के राजा जैसा आत्मविश्वास और हैरान कर देने वाली चमक थी। जी कहिए, चित्रकार ने पूछा। वो बेघर आदमी कुर्सियों की कतारों के बीच से जगह बनाता हुआ आगे आया और फुसफुसा कर बोला, क्या लगता है गुरु टपक गया? नहीं नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, चित्रकार ने जवाब दिया। ईश्वर ना करे ऐसा हो, महिला ने भी कहा, और यूं उन तीनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने एक दूसरे से अपने मन की बात करना शुरू किया, सेमिनार के बारे में, गुरु के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में।
एक तरफ जहां चित्रकार ने गुरु की कही हर बात से सहमति जताई, वहीं उस महिला को अभी भी कई बातों पर संदेह था। सबसे चौंका देने वाली बात कही उस गरीब बेचारे से दिखने वाले व्यक्ति ने। वो बोला, गुरु सर्वोपरि है, सबसे ऊपर, सबसे सही, सबसे सार्थक। मैंने उनकी बात मानकर ही अपना भाग्य बनाया है और जीवन में सारी सुख सुविधाओं के मजे लिए हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके साथ अभूतपूर्व चीजें हों, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि असाधारण कलाकार अपने लिए असाधारण जीवन खुद बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने न केवल मुझे सपने पूरे करने के लिए एक गुप्त ज्ञान दिया, बल्कि उन्होंने मुझे उस जानकारी को अंजाम तक पहुंचाना भी सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक बहुत ही जरूरी सुबह की दिनचर्या को कैसे स्थापित किया जाए, जिससे हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर सकें। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी यूं ही जारी रहेगी, आप भी सुनते रहें। सुबह का सम्मान करें। नमस्कार दोस्तों, बात हो रही है रॉबिन शर्मा की विश्व विख्यात किताब द 5 AM क्लब के बारे में। ये कहानी तीन ऐसे अनजान लोगों से संबंध रखती है जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। एक थी कंगाली की दहलीज पर खड़ी एक महिला उद्यमी जिसके पास जीने की आस तक नहीं बची थी। दूसरा था एक कामयाब मगर हर वक्त परेशान रहने वाला एक पेंटर जो खुद को महान साबित करना चाहता था। और तीसरा सबसे अनोखा इंसान जो दिखने में बिल्कुल फटे हाल पर बातें बड़ी बड़ी, मानो कहीं का राजा हो। मैं हूं आपके साथ पल्लवी, और चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस बेघर और फटे हाल आदमी ने सुबह 5 बजे उठने के नियम का बखान करना शुरू किया। कहने लगा कि ऐसा करके हम अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक तकलीफों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पेंटर की तरफ देखकर वो बोला कि उसके ज्यूरिक वाले घर में कई सारी महंगी और कलात्मक पेंटिंग्स टंगी हैं। उसका घर भी बेहद उम्दा और महंगी जगह पर बना है। उसे सिर्फ कीमती चीजों का ही शौक है। वो हमेशा सबसे अच्छी और महंगी जगह पर निवेश करता है, महंगा खाना खाता है, महंगे कपड़े, घड़ी और कार खरीदता है, और सिर्फ मूल्यवान लोगों से संबंध रखता है। क्योंकि जीवन सस्ता नहीं है, इसलिए इस जीवन से जुड़ी हर बात कीमती होनी ही चाहिए। पेंटर ने तभी अपना रिकॉर्ड प्लेयर ऑन किया, जिसमें उसने बड़ी चालाकी से उस गुरु का भाषण रिकॉर्ड कर लिया था। हवा में गूंजती उस आवाज को सुनकर वो महिला और वो बेघर आदमी दोनों चौंक गए और फिर पूरी तन्मयता से उन्हें सुनने लगे। गुरु कह रहे थे, आज की भागती दौड़ती मशीन जैसी जिंदगी को पूरी तरह से जीने और कामयाब बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने लिए सुबह की ऐसी दिनचर्या बनाना जिसे कोई मात न दे सके। किसी भी जीत की शुरुआत हमेशा एक स्टार्ट पॉइंट से होती है, और दिन का पहला घंटा ऐसा है जब आप खुद को हीरो बना सकते हैं। अपनी कमजोरी और डर के खिलाफ जंग छेड़ने का इससे बेहतर समय कोई नहीं। अब तक आप जितने बजे भी उठते आए हों, उसे एक घंटा पहले जागकर अपने दिन की शुरुआत करें। महान बनने की राह पर यह आपका पहला कदम होगा। आप अपनी सुबह का ख्याल रखें और वो सुबह आपका पूरा दिन ख्याल रखेगी। सुबह को अपना बनाएं और अपना पूरा जीवन अपनी नजरों के सामने बदलता हुआ देखें। उनकी ओजपूर्ण आवाज में ये बातें सुनकर तीनों ही लोग बहुत प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में उस फटेहाल आदमी ने फिर बीच में अपनी बात छेड़ी। सुकरात कह गए हैं कि शिक्षा किसी लौ की तरह है जो जलने पर सिर्फ उजाला करती है, तो इस टेप को चलने दो और जितना हो सके गुरु की बातें ग्रहण करो। चित्रकार ने दोबारा प्ले का बटन ऑन किया और दर्शन और ज्ञान से भरपूर उनकी आवाज एक बार फिर से हवा में तैरने लगी। दुनिया आपको सब तरह के लालच देकर अपनी राह से डिगाने की कोशिश करेगी। आपको इन सब विचलित करने और डिजिटल डिमेंशिया पैदा करने वाले विचारों को पूरी तरह त्याग देना होगा और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। हम सभी अपने लिए कई चमत्कारों की उम्मीद करते हैं। खुद की नजर में हीरो बनकर महानता की राह पर आगे बढ़ते रहें। हम सब इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं, पर हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? विख्यात कवि थॉमस कैंपबेल ने कितनी खूबसूरती से कहा है, अगर हम मरने के बाद भी किसी एक के भी हृदय में जीवित हैं, तो हम मृत नहीं। ये शायद किसी एक के लिए एक कामयाब कोडर बनने के विषय में हो, कोडर ये शायद किसी एक के लिए कामयाब कोडर बनने के विषय में हो,
या एक कमाल का अध्यापक या एक बेहतरीन माँ। आपके काम करने की जगह कोई भी हो सकती है, बस आपका काम करने का स्वरूप आपको महान बनाता है। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको सम्मान के साथ याद करे, बस वही जीवन जीने योग्य है, यही परम सत्य भी। इसके बावजूद हम में से बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अधिकांश लोग अपने दिन का सबसे जरूरी समय, सुबह का समय, सबसे फिजूल कामों में खर्च कर देते हैं। आगे चलकर कष्ट और परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमने अपना मूल्यवान समय बेकार बर्बाद कर दिया। अपनी सुबह के रूटीन को कुछ इस तरह से संवारें कि उससे आपके आगे का न सिर्फ पूरा दिन बल्कि पूरा जीवन संवर सके। ये सुनकर वो महिला उद्यमी भावुक हो गई और बोली, ये बात मुझ पर एकदम सच बैठती है। मैं भी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह ग्रसित हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फोन चेक करती हूँ और शायद इसी वजह से अपने जरूरी कामों पर गौर नहीं कर पाती। हम में से कितने ही लोग नियम से ऐसा करते हैं। सच बताइएगा, क्या आपका दिन भी ऐसे ही शुरू नहीं होता? इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, आप भी बने रहें हमारे साथ। आपके अंदर का जीनियस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है दुनिया भर में मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के सारांश की। इसमें आप जानेंगे कि किस तरह सुबह जल्दी उठने की इस आदत से आप अपनी सेहत, मानसिकता और आध्यात्मिकता, इन सभी का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। आइए जानते हैं आगे का सार। अपनी जेब से एक पीला पड़ा हुआ पुराना सा कागज निकालकर उस बेघर इंसान ने इन दोनों की तरफ आगे बढ़ाया और कहा, लो इसे पढ़ लो। इसे पढ़कर तुम दोनों को वो नेतृत्व और कौशल का ज्ञान मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। उस कागज पर लाल स्याही से लिखा था, सभी तरह के बदलाव शुरू में मुश्किल, बीच में तकलीफ देह और बाद में अति सुंदर हो जाते हैं। इसे पढ़कर दोनों ने स्वीकृति में सर हिलाया और फिर उस चित्रकार ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। इस बार एक बार फिर से उस प्रभावी वक्ता की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। आप में से हर किसी के अंदर एक जन्मजात जीनियस और एक अजेय नायक छुपा होता है। आप चाहें तो इन्हें बेकार की आदर्श बातें मानकर नकार सकते हैं, पर मैं एक आदर्शवादी इंसान हूं और मुझे इस पर गर्व है। साथ ही मैं यथार्थवादी भी हूं और बड़ी निराशा की बात है कि आजकल अधिकतर लोग अपने बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते, अपने आप को बहुत अहमियत नहीं देते। वो केवल अपने बाहरी स्वरूप से अपनी पहचान बनाते हैं, न कि अपने भीतरी रूप से। आपका मोल आपकी खरीदी हुई वस्तुओं से नहीं बल्कि आपके चरित्र से बनता है। यही कारण है कि आप निराशा, अनिश्चितता, बोरियत और व्याकुलता के दलदल में धंसते चले जाते हैं। ये सुनकर उस बेघर इंसान ने फिर टिप्पणी दी, ऐसे लोग मुझे बड़े नाटकबाज लगते हैं जो जरा सी समस्या देखकर घबरा जाते हैं और फिर सदा के लिए दया के पात्र बने रहना चाहते हैं। तभी टेप रिकॉर्डर से एक बार फिर उस दार्शनिक और गुरु की आवाज सुनाई दी, ये बात साफ है कि हर दिन आपके पास लीडर बनकर आगे आने के बहुत से अवसर आते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो और कुछ भी करते हो। हमारा जीवन एक ऐसा मंच है जहां सबको मौका मिलता है। यह अवसर सिर्फ महान लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि एक सफल और महान नेता सिर्फ एक नाम, बड़ा सा ऑफिस और पैसा नहीं बटोरता। एक इंसान होने के नाते आपसे जो बन पड़े वो आपको करना होता है, अपनी क्षमता से अधिक, अपनी सीमा से बाहर निकलकर। फिर चाहे आप अपने पूरे जीवन में केवल एक मास्टरपीस ही क्यों ना रच पाएं, आपका जीवन सार्थक होगा। वो जो 5% लोग शीर्ष पर बैठे हैं ना, वो दुनिया की, लोगों की, बहुत अधिक धन कमाने की या यश प्राप्त करने की चिंता छोड़ चुके होते हैं। उनका सारा ध्यान केवल प्रेरणा स्रोत बनने में लगता है। वो लाखों करोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने लिए लाखों करोड़ों रुपए बना लेते हैं। अचानक टेप में से मन मोह लेने वाले उस वक्ता के जोर से खांसने की आवाज आने लगी और फिर कुछ रुक कर वो बोले, हम में से कोई भी कभी भी नायक बन सकता है। समय सही हो तो अच्छा, और अगर खराब चल रहा हो तो और भी अच्छा। आज से ही शुरू करें और मैं आपको गारंटी देता हूं कि भविष्य में विजय आपकी ही होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज की दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कोशिश करके अपनी सोच, समझ, समृद्धि और खुशियों को कई गुना बड़ा न कर सके। सिर्फ अपने रोज के कामों में थोड़ा फेर बदल करें, अपनी दिनचर्या बदलें, अपनी सुबह की सही शुरुआत करें।
और इसके साथ ही मैं आता हूं अपने भाषण के सबसे जरूरी विषय पर, जिसे मैंने नाम दिया है द 5 AM क्लब, यानी सुबह के 5 बजे का क्लब। तड़के 5 बजे उठने से आपके व्यवहार में उत्थान आएगा। ये नियम आपको संभावना के एक अपराजय मॉडल में बदलने के लिए बहुत जरूरी है। आप जिस तरह अपने दिन को आरंभ करते हैं, उससे आपके पूरे दिन के ध्यान, ऊर्जा, उत्साह और कौशल पर असर पड़ता है। हर दिन की सुबह आपके जीवन का एक ऐसा कोरा पन्ना है जिसे आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब आप पुरानी असफलताओं को भूलकर आने वाले दिन को सफल बनाने में अपना सारा ध्यान लगा सकते हैं। हमारी दुनिया को ऐसा समय हम सभी से चाहिए। इस अवसर को स्वीकार करें और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके जीवन में कई तरह के चमत्कार दिखाई देने लगेंगे और आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। साथ ही आप महान लोगों की ऐसी श्रेणी में आ जाएंगे जो पूरे संसार को अपने प्रभाव से रोशन करते हैं। वो सभागार अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। महिला उद्यमी ने एक लंबी गहरी सांस ली। चित्रकार खामोश बिना हिले बैठा रहा और वो बदहाल बेघर इंसान सुबकियां ले लेकर रोने लगा। तो देखा आपने, सुबह 5 बजे उठकर दिन शुरू करने की बात से ये तीनों कितना प्रभावित हुए। हमारी चर्चा चलती रहेगी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। सुबह की अनोखी शुरुआत। तो दोस्तों, चर्चा हो रही है द 5 AM क्लब के बारे में, जिसे रॉबिन शर्मा ने अपनी पहली किताब द मंक हू सोल्ड हिज फरारी की अगली कड़ी के रूप में लिखा है। ये किताब उनके तड़के उठने की दिनचर्या और उनके फायदों के बारे में है। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी और अब तक आपने जाना कि सुबह 5 बजे उठकर दिन शुरू करने की बात से ही किताब के तीनों किरदार कितने प्रभावित हुए। और आइए जानते हैं इसके आगे का सार। उस बेघर इंसान ने अपने दोनों साथियों के सामने एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा। वो बोला, मैं आप दोनों को कुछ दिन के लिए समुद्र तट पर बसे अपने बंगले में बुलाकर प्रशिक्षण देना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी सुबह की दिनचर्या दिखाऊंगा, जिससे आपको यकीन हो जाए कि तड़के 5 बजे उठने से हमें कितना लाभ हो सकता है। कुछ ही समय में आपके जीवन में कितने सुखद बदलाव आएंगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मेरे साथ आपको वो मजे आने वाले हैं जिनके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। ये सफर आसान नहीं होगा, पर बहुत मूल्यवान और खूबसूरत जरूर होगा। ऐसा कहकर उसने अपनी कमीज ऊपर उठाई और अपने शरीर की तनी हुई मांसपेशियां दिखाने लगा। वो बिल्कुल किसी मॉडल जैसा दिख रहा था। उसने बताया कि ऐसा शरीर उसने बरसों की लगातार मेहनत और कसरत से पाया है, जो वो समुद्र के किनारे करता है। फिर वो ये कहकर उन्हें और समझाने की कोशिश करने लगा कि ये यात्रा नहीं, आप दोनों के लिए जीवन भर का रोमांच होगा। मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपको एक विश्व स्तरीय सुबह की दिनचर्या के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ वो सब कुछ बताऊंगा, वो सब कुछ सिखाऊंगा। मैं आपको द 5 AM क्लब का सदस्य बनने में पूरी मदद करूंगा। आप नियमित रूप से जल्दी उठेंगे और दोपहर होने तक इतना काम कर लेंगे जितना आमतौर पर लोग एक हफ्ते में भी नहीं कर पाते। इससे आपको अंदर से जो स्फूर्ति, शांति और खुशी मिलेगी ना, आपको अभी उसका अंदाजा भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना ये लंबा चौड़ा साम्राज्य, इतनी धन संपत्ति, यश, मान और ऊर्जा सिर्फ इसी क्रांतिकारी तरीके को अपना कर हासिल की है। मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैंने अब तक अपने गुरु से सीखा है, जिन्होंने अपने दर्शन और ज्ञान से मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया है। साथ ही आप दुनिया का बेहतरीन खाना खाएंगे और सबसे सुंदर सूर्योदय और सूर्यास्त देख पाएंगे। आप समुद्र में तैराकी करने जा सकते हैं, मछलियों के साथ अटखेलियां कर सकते हैं, मेरे हेलीकॉप्टर की सवारी कर आसपास के खेत देखने जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें और मेरे साथ मेरे घर पर ही रहें। मेरी बस एक ही विनती है आपसे कि आप कम से कम इतने समय तक जरूर रुकें कि मैं आपको वो सब कुछ सिखा सकूं जिसका आपसे मैं वादा कर रहा हूं। सुबह 5 बजे वाले क्लब के साथ जुड़ने में थोड़ा वक्त तो लगता है। मैं इस यात्रा का सारा खर्चा उठाने को तैयार हूं और आपके लिए अपना निजी हवाई जहाज भी भेज दूंगा। उस चित्रकार और उद्यमी महिला ने एक दूसरे की तरफ हैरत और अनिश्चितता से देखा और फिर उस बदहाल इंसान से सोचने के लिए थोड़ा सा समय मांगा। हालांकि वो दोनों इस बात से सहमत थे कि इस आदमी में कुछ तो खास है, लेकिन उसकी फटे हाल सी अवस्था कुछ और ही बयां कर रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच बोल रहा है या फिर सिर्फ गप हाँक रहा है। चित्रकार को लगा कि यूं बिना जान पहचान के कहीं जाना उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है।
वहीं उस महिला को लगा कि वो अपने जीवन के उस पड़ाव पर हैं, जहां उनके पास अब कुछ भी खोने को बचा ही नहीं है, इसलिए वो ये खतरा उठाने को तैयार हो गई। बल्कि उन्हें ये भी लगा कि इस समय उन्हें बदलाव की बहुत जरूरत है, और उस आदमी का प्रस्ताव एक सुनहरे अवसर के समान है। उन्हें 5 AM रूटीन भी काफी दिलचस्प लगा और उन्होंने इसे सीखने की ठान ली। चित्रकार को लगा, जब ये महिला कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, और यही सोचकर उसने भी हामी भर दी। मन में उत्साह और आशा की नई किरण लेकर वो दोनों उस बदहाल बेघर से दिखने वाले आदमी के पास गए और उसे अपना निर्णय बताया। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही गंभीरता से बोला, आप सिर्फ प्रेरित होने नहीं जा रहे, बल्कि आपके अंदर आने वाले अविश्वसनीय बदलाव के पीछे वर्षों की योजना और प्रयोग है, और इसका कारण है मजबूत डेटा और व्यवहारिक रणनीति, जो कि पूरी तरह से आजमाई हुई और परखी गई है। अब आप अपने जीवन के सबसे बड़े रोमांच के लिए तैयार हो जाइए। मैं आप दोनों से कल सुबह 5 बजे मिलूंगा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमें सुनते रहें। एक अनोखी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी, और हमारी बातचीत का विषय है रॉबिन शर्मा की लिखी और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब द 5 AM क्लब। आइए जानते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ। एक लंबे अरसे के बाद चित्रकार और उस महिला ने सुबह का सूरज देखा। वो दोनों अपनी आरामदायी सवारी की राह देख रहे थे और कुछ ही समय में खींचने भी लगे कि कहीं उस आदमी ने उनके साथ कोई छल तो नहीं किया। किसी अनजान को ऐसा प्रस्ताव कौन देता है भला। पर तभी उन्हें दूर से एक बहुत ही खूबसूरत और चमचमाती हुई गाड़ी आती दिखी। वो शानदार रोल्स रॉयस उनके पास आकर रुक गई और उसमें से एक सफेद वर्दीधारी ड्राइवर बाहर आया। उसने उन दोनों को प्रणाम किया और उनका सामान रखने लगा। तभी उस चित्रकार ने पूछा, वो आप बदहाल इंसान नहीं दिख रहा। इस पर ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ श्रीमान रायली कभी कभी बड़े अजीब कपड़े पहनते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी विनम्रता बनी रहे, ये भी उनके विचित्र आकर्षण का एक हिस्सा है। कृपया याद रखें कि दिखावे भ्रामक हो सकते हैं और कपड़े किसी के चरित्र को व्यक्त नहीं करते हैं। आप कल एक बहुत ही महान व्यक्तित्व से मिले थे जिन्हें आप बदहाल कह रहे हैं, वो विश्व के सबसे धनी लोगों में से एक हैं। अब चौंकने की बारी उन दोनों यात्रियों की थी। उनके चेहरे पर हैरानी के बादल छा गए और उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जल्द ही उनकी गाड़ी एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंची और एक खूबसूरत निजी विमान के पास आकर रुक गई, जिस पर 5 AC लिखा था। पूछने पर मालूम हुआ कि ये चिन्ह 5 AM क्लब को दर्शाता है। उनका सामान विमान में रखते हुए उस ड्राइवर ने उनसे विदा ली और श्रीमान रायली को अपना प्रणाम भेजा और जाते जाते बोला, मॉरिशस की आपकी यात्रा सुखद हो। दोनों ये सुनकर उत्साह से भर गए कि वो मॉरिशस जा रहे थे। उन्होंने इसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। रास्ते भर खाते पीते और ऐश करते हुए कुछ घंटों बाद वो अपने गंतव्य पर पहुंचे, जहां एक और चमचमाती गाड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब तक उन्हें इस ऐश की आदत सी लग गई थी, पर बाहर निकलकर मॉरिशस की सुंदरता देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने उस सौंदर्य को अपने कैमरे में उतारना चाहा और रास्ते भर तस्वीरें खींचते हुए आए। पेड़ पौधे, पंछी, सड़कें, वहां के लोग और दूर तक फैला हिंद महासागर, सब कुछ शानदार था। गाड़ी में बैठे बैठे ड्राइवर ने उन दोनों को एक टैबलेट पकड़ाई, जिस पर कुल 5 नियम लिखे हुए थे। रूल नंबर 1, व्याकुलता की लत आपके रचनात्मक उत्पादन का अंत है। सभी महान और सफल लोग भोर से पहले जटिलता के चंगुल से अलग शांति में खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार करने के लिए 1 घंटे का समय लेते हैं। रूल नंबर 2, बहाने कोई प्रतिभा नहीं पैदा करते। सिर्फ इसलिए कि आपने पहले जल्दी उठने की आदत को स्थापित नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे अभी भी नहीं कर सकते। अपना सुधार जारी रखें। याद रहे कि छोटे छोटे दैनिक सुधार जब समय के साथ लगातार किए जाते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। रूल नंबर 3, सभी परिवर्तन पहले कठिन होते हैं, बीच में बुरे और अंत में भव्य। अब जो कुछ भी आपको आसान लगता है वो आपको पहले मुश्किल लगता था। लगातार अभ्यास से सूर्य के साथ उठना आपके लिए रोज की आदत बन जाएगा। रूल नंबर 4, परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको वो करना शुरू कर देना चाहिए जो 95% लोग करने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे आप इस तरह जीने लगेंगे, लोग आपको पागल कहेंगे। याद रखें कि एक सन की करार दिया जाना महानता की कीमत चुकाने जैसा है। रूल नंबर 5, जब आपका समर्पण करने का मन हो तब तो बिल्कुल ना रुकें, जारी रखें।
आखिरकार वो गाड़ी समुद्र तट पर बने एक विशाल आलीशान महल नुमा मकान के गेट पर आकर रुकी। वहां आसपास और कोई घर नहीं था। दोनों यात्री तेजी से उतरे और बड़ी बेसब्री से मिस्टर रायली को खोजने लगे। जैसे वो बेघर समझ रहे थे, आज वो दोनों उसके महल के सामने खड़े थे। अचानक उन्हें दूर समुद्र के पास एक आदमी खड़ा नजर आया जो आकाश को निहार रहा था, और वो दोनों उसकी ओर लपके। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे और उसके कंधे पर हाथ रखा, वो मुड़ा। और ये क्या, ये तो वही मंत्रमुग्ध कर देने वाले दार्शनिक गुरु और वक्ता थे जो सिर्फ एक दिन पूर्व अपनी ही सभा के मंच पर धराशायी होकर गिर पड़े थे, जिन्हें पूरी दुनिया स्पेल बाइंडर के रूप में जानती थी और जिनके भाषण सुनने के लिए लाइनें लगा करती थी। वो यूं उनके सामने खड़े थे। द 5 AM क्लब की कहानी जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। परिवर्तन की तैयारी स्वर्ग में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी, और बात हो रही है दुनिया भर में मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के सारांश की। आइए जानते हैं कि उस मनमोह लेने वाले दार्शनिक और गुरु को मॉरिशस में पाकर आगे क्या हुआ। चित्रकार और महिला दोनों ही उस गुरु को समुद्र किनारे पाकर दंग रह गए। आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव से वो महिला उद्यमी बोली, हम आपकी सभा में थे, आपका भाषण सुना, आपने उस मंच पर कमाल कर दिया था। फिर उसने अपना परिचय दिया और संक्षेप में अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि इस तरह सबूर से निराश होकर उसने अपना जीवन समाप्त करने का विचार कर लिया था। जब एक आखिरी कोशिश के रूप में वो उनका भाषण सुनने आए, और फिर किस तरह उसके अंदर एक नई आशा और ऊर्जा का संचार होने लगा। गुरु ने उस महिला का धन्यवाद किया, पर साथ ही ये भी कहा कि वो तो केवल माध्यम है, उनके पास कुछ मूल मंत्र जरूर हैं, पर दरअसल अपने जीवन में बदलाव लाने के सारे प्रयास तो उस महिला के ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये शिक्षा और ज्ञान तो वो लाखों लोगों को देते हैं, पर उनमें से बस कुछ ही चुनिंदा लोग इस पर अमल कर पाते हैं। इस तरह की महान योजनाओं की एक साधारण सी शुरुआत होती है जब आप अपने आप को खुद के बनाए हुए बंधनों से मुक्त करते हैं। आपके अंदर की प्रभावी शक्ति आपको राह दिखाती है। प्रकृति आपकी सभी कोशिशों को ध्यान से देखती है और आपके प्रयासों को विजय रूपी उपहार भी देती है। ऐसे में आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास परवान चढ़ता है और जगत आपको आपका तेज दिखाता है। अब से एक साल बाद आपकी खुशी का ठिकाना न होगा ये सोचकर कि आपने आज से शुरुआत की है। गुरु के बोलने के बाद अब उस चित्रकार की बारी आई, और जो पहली बात उसने कही वो थी, शुक्र है आप जीवित हैं, आपको मंच पर गिरा हुआ देखकर हम सब तो बहुत डर गए थे। गुरु ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और फिर उन दोनों को अपने पास रेत पर बिठाकर ज्ञान देने लगे। उन्होंने आगे कहा, हमारी संस्कृति हमें खिताब और इनाम, तालियां और प्रशंसा, पैसा और महल जैसी चीजों का पीछा करने के लिए कहती है। ये सब तभी तक ठीक है जब तक आप इन चीजों से एक इंसान के रूप में अपनी योग्यता को परिभाषित नहीं करते। इन सब का आनंद जरूर लें, इनकी आदत न डालें, इनकी सराहना जरूर करें, बस इन्हें अपनी जरूरत ना बनने दें। इतना जान लें कि इन सब में कुछ भी अगर कभी खो जाए तो आप पर ज्यादा असर न पड़े। ये सब मोह माया है और कभी भी आपसे छिन सकती हैं। सिर्फ पैसा इंसान को धनी नहीं बनाता। जब आप एक इंसान के रूप में अपनी सबसे भव्य प्रतिभा का एहसास करते हैं तो सच्ची और स्थायी शक्ति अपने आप सामने आ जाती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि असली धनी होने के लिए अनुशासन, साहस, ईमानदारी, सहानुभूति के साथ साथ अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने में सक्षम होना भी जरूरी है। गुरु के ज्ञान को बीच में रोककर उस चित्रकार ने फिर अपनी चिंता जताते हुए पूछा, पर आपको उस मंच पर क्या हो गया था, आप क्यों बेहोश कैसे हो गए थे? तब उन्होंने जवाब दिया कि वो अत्यधिक काम और थकान से चूर हो गए थे। कई शहर घूम चुके थे, कई लोगों से मिल चुके थे, कई भाषण दे चुके थे। लोगों को उनके सपनों से मिलाने की इच्छा में वो कई बार खुद को भूल जाते थे। वो भी एक ऐसा ही पल था। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो मिस्टर रायली को कैसे जानते थे और वहाँ उनके घर पर क्या कर रहे थे। वो बोले कि हम दोनों के बीच गुरु और शिष्य जैसे घने संबंध थे और मैं कई वर्षों से उन्हें दीक्षा दे रहा हूँ। पर आज वो दोनों मित्र की तरह हो गए थे और बहुत सारा समय साथ बिताते थे। इस तरह एक लंबी और गंभीर चर्चा के बाद गुरु ने उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें वहां पाकर वो बहुत खुश हुए।
उन्हें ये भी जानकारी थी कि मिस्टर राइली उन दोनों को वो सब गुर और पाठ सिखाने वाले थे जिनकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी और महारत हासिल की थी। वो बोली कि एक गुरु होने के नाते मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरा शिष्य मेरी दी हुई शिक्षा को आगे बांटना चाहता है। लाखों और लोगों की तरह 5 AM क्लब उन दोनों के लिए भी बहुत शुभ और सार्थक होगा। जाते जाते वो बोले कि शायद वो उनसे ज्यादा न मिल पाए क्योंकि वो मछली पकड़ने और तैराकी करने में व्यस्त होंगे, साथ ही वो आराम करके अपनी महीनों की थकान को भी दूर करना चाहेंगे। पर इन दोनों के नए जीवन का सूर्योदय होने वाला है। उनके अंतिम शब्द थे, अपनी सुबह के मालिक बने, अपने जीवन को सफल बनाए। अगले दिन तड़के सुबह 5 बजे उसी समुद्र तट पर क्या हुआ जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। 5 बजे की दिनचर्या। हेलो एंड वेलकम टू द 5 AM क्लब। जी हाँ, कल तक जो बेघर फटेहाल मालूम होता था आज वो दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक निकला और उन्होंने कुछ इस तरह अपने मेहमानों को सुबह की पहली आवाज दी। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और जानते हैं कि किस तरह सुबह 5 बजे उठने की आदत आपका जीवन बदल सकती है। मिस्टर राइली ने प्रभावित होते हुए कहा, आप दोनों को यहाँ समय पर आया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम स्टोन राइली है और मुझे समय के पाबंद लोग बहुत पसंद हैं। उन्होंने पहले चित्रकार और महिला से गर्म जोशी से हाथ मिलाया और फिर उन्हें गले से लगा लिया। आज उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े नहीं बल्कि एक बढ़िया काले रंग की निकर थी और सफेद टी शर्ट थी जिस पर लिखा था, जब तक आप उस पर काम नहीं करते कोई आइडिया काम नहीं करता। वो नंगे पैर थे और बहुत चुस्त और मजबूत दिख रहे थे। उनके साफ सुथरे चेहरे पर जवानी की चमक साफ छलक रही थी। उनकी आंखें और मुस्कान किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी थी। वो सच में एक विशिष्ट व्यक्ति थे। आप दोनों बहुत बहादुर हैं, आपने फकीर जैसे दिखने वाले आदमी का भरोसा किया और यहां तक चले आए। इससे आपके आत्मविश्वास का परिचय मिलता है, उन्होंने कहा। उस महिला और चित्रकार ने उनको अनेक धन्यवाद दिए और कहा कि ये उनका अब तक का सबसे खूबसूरत सफर रहा है। एक साथ इतनी सुंदरता उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखी और इस तरह उन तीनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। उन दोनों के मन में सैकड़ों प्रश्न थे। मिस्टर राइली को सुबह उठने की आदत कब और कैसे पड़ी, इसके लिए उनकी मदद किसने की, इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने कैसे खड़ा किया, आखिर ऐसा क्या है सुबह 5 बजे उठने में जो किसी को इतना सफल बना सकता है। और फिर उन्हें पता लगा कि किस तरह एक गुरु ने अपने शिष्य को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा दी। यूं तो मिस्टर राइली के पिता बचपन से चाहते थे कि वो सुबह जल्दी उठकर कामकाज में मदद करें, पर ऐसा हुआ नहीं। और फिर जवानी की दहलीज पर पहुंचकर उन्हें अपने गुरु और ओजस वक्ता मिले जिन्हें पूरी दुनिया द स्पेल बाइंडर के नाम से जानती थी। उनके सीखने के लिए लोगों की लंबी कतार लगती थी और पूरे 3 साल के इंतजार के बाद उन्होंने मिस्टर राइली को सिखाया कि सुबह 5 बजे उठकर बाकी सबके जागने से पहले अपने लिए रखा हुआ 1 घंटा कितना कमाल कर सकता है। वो भी उस समय बहुत अधिक उम्र के नहीं थे, पर उनकी सीख में बुद्धि, शक्ति और प्रभाव का अनोखा मिश्रण था। 5 बजे उठने की उस एक आदत ने उनके जीवन का स्वरूप बदल कर रख दिया। शोधकर्ता अब इस प्रकार के मूल व्यवहार को कीस्टोन आदत कहते हैं, जो आपके अन्य सभी नियमित पैटर्न्स की दिशा बदल कर रख देता है। ऐसा करने में समय और दृढ़ता तो लगती ही है, साथ ही बहुत अधिक आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। कई बार ना उठने का मन नहीं करता, सर दर्द से फट रहा होता है, आप आलसी, अनमने या चिड़चिड़े हो जाते हैं। पर एक बार यह आदत लग जाने पर आपको स्वयं अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगता है और दिन प्रतिदिन आप इस आदत का सम्मान करने लगते हैं। सुबह उठकर आपके पास अपने लिए समय होता है, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, कहीं पहुंचने में देर नहीं होती। मेरे गुरु ने सिखाया कि मेरी हर समस्या का समाधान हो सकती है यह आदत। अपने दिन की शुरुआत में अगर हम खुद को बहुत केंद्रित, मजबूत और मुक्त महसूस करें तो कितना अच्छा हो। भोर से पहले उठकर जबकि आपके आसपास लगभग हर कोई सो रहा है, आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, ऊर्जा निश्चित रूप से दुगनी हो जाती है और उत्पादकता निश्चित रूप से 3 गुना बढ़ जाती है। मुझे अपने अंदर ये सभी शक्तियाँ महसूस होने लगी थीं और सुबह उठने के अनूठे लाभ साफ साफ नजर आ रहे थे। इसके साथ ही मेरे गुरु ने मुझे सुबह का सही उपयोग करना भी सिखाया, क्योंकि सिर्फ सुबह उठना ही काफ़ी नहीं है। उन्होंने मुझे 20-20-20 फॉर्मूला इस्तेमाल करने को कहा,
जिसमें से एक घंटे को 20 मिनट के 3 बराबर हिस्सों में बांटकर उस समय का सही उपयोग करना सिखाया। मेरा विश्वास करें कि एक बार जब आप सिर्फ इस फॉर्मूला को सीखकर दृढ़ता से अमल में लाते हैं ना, तो आपकी उत्पादकता, समृद्धि, प्रदर्शन और प्रभाव में तेजी से वृद्धि होगी। मैं ये भी बता दूं कि मैं अपने करियर में जो कुछ हासिल करने में सक्षम हूँ उसके बारे में मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं हमेशा डींग मारने को चरित्र के एक बड़े दोष के रूप में देखता हूँ। जब एक व्यक्ति सफल और शक्तिशाली बन जाता है, उसे इस बात को बढ़ावा देने की उतनी ही कम आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों को अभी अपने आने वाले समय में होने वाले बदलाव का मूल्य पता नहीं है। इस नैसर्गिक दुनिया में आपका स्वागत है और जीवन की बेहतरी के पहले दिन में आपका अभिनंदन करता हूँ। तो इसके आगे क्या हुआ, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।